हेलो बच्चों, तो सभी को नमस्कार। तो जैसा कि बायोलॉजी में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो मैंने 70 क्वेश्चन दिया था, उनमें से मैंने 1 से 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था और पीछे के 63 से 70 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। बीच के कुछ क्वेश्चन बच गए थे जहां पे 41 से लेके 63 क्वेश्चन तक रिमेनिंग थे। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, जो कि एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। मतलब नेचुरल सेलेक्शन की थ्योरी क्या है, पहले हम इस क्वेश्चन का पूरा फीडबैक बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो नेचुरल सेलेक्शन का बहुत ज़्यादा मचाल न मनाते हुए मैं एक शॉर्ट लैंग्वेज में बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ कि क्या है नेचुरल सेलेक्शन। मतलब नेचर हम लोगों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हम लोगों को नेचर सेलेक्ट करता है और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों को चेंज कर देता है। ये होता है नेचुरल सेलेक्शन। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ नेचुरल सेलेक्शन का। जैसे आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स पानी से मछली को खाते हैं, तो आपने देखा होगा उन बर्ड्स की जो चोंच होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उसको पानी से मछली को निकालना होता है। लेकिन जो बर्ड्स, जैसे गौरैया हो गया, तोता हो गया, जिनको घोंसला बना के रहना होता है, जो पेड़ में या घरों में घोंसला बना के रहते हैं, उनकी चोंच छोटी होती है, क्योंकि उनको आने जाने में, वहाँ रहने में दिक्कतें ना हो। तो कि ये क्या हुआ, नेचर ने सेलेक्ट किया कि पानी में रहने वाले को ज़्यादा बड़ी चोंच चाहिए और घोंसले में रहने वाले की छोटी चोंच चाहिए, क्योंकि ये नेचर ने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यदि यार नेचर ऐसा ना करे तो क्या हो। तो नेचर ऐसे ना करे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचर के हिसाब से चेंजिंग नहीं आएगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसको ही डेथ हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल सेलेक्शन में। जैसा कि मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं नेचुरल सेलेक्शन का, कि हमारे वर्ल्ड में या इंडिया में लेके चलो, सबसे अच्छा हमारा इंडिया सबसे सुंदर जगह है, तो इंडिया में लेके चलो तो देखो जम्मू कश्मीर जो है, तो वहाँ के लोग ठंडे जगह में रहते हैं, तो वो लोग थोड़ा गोरे रहते हैं, क्योंकि ठंडे जगह में ज़्यादातर मेलानिन जो पिगमेंट्स होता है वो बॉडी के बाहर नहीं शो करता, स्किन में शो नहीं हो पाता, वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता, तो वहाँ के लोग गोरे रहते हैं। क्लियर? यदि आप केरल साइड चले जाओ तो थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा काले रहते हैं। यदि आप अपने एमपी भोपाल में आ जाओ तो यहाँ के लोग थोड़ा सा ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, तो यहाँ के लोग का कलर थोड़ा सा आंवला होता है। तो इस हिसाब से पूरे, अब तो बहुत सारे मैं बात करना चाहूँ तो इतना सारा यहाँ पर है कि भयंकर, लेकिन अपने को वहाँ तक जाना ही नहीं है। क्लियर? यानी कि मैंने जो बोला आपको कि जो नेचुरल सेलेक्शन की थ्योरी होती है, एक्चुअल में नेचुरल सेलेक्शन किस पर डिपेंड करता है, कि नेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपने देखा होगा गर्मियों में चीज़ें कम सड़ती हैं, क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता, लेकिन ठंडियों में या बारिश में चीज़ें ज़्यादा सड़ती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए वो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस होता है। तो इस तरह से नेचुरल सेलेक्शन को एक हमारे बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सेलेक्शन के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। चार्ल्स डार्विन ने बताया है कि एक्चुअल में नेचुरल सेलेक्शन में क्या है, तो यहाँ पे हमको डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना है। तो इस क्वेश्चन को आप ये भी लिख सकते हो कि डार्विनिज्म, क्लियर, डार्विनिज्म क्या होता है। तो देखिए डार्विनिज्म में क्या आएगा बेटा, 1809 से 1882 एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन हिज बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, जिसका जो मेन टाइटल था वो था नेचुरल सेलेक्शन। क्या था, नेचुरल सेलेक्शन, मतलब नेचर किसको कहाँ पे सेलेक्ट करता है। जैसे रेगिस्तान में आप गाय को दौड़ा दो, नहीं दौड़ पाएगी, क्योंकि रेगिस्तान में ऊँट के पैर थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि वो धस जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से जहाँ का जैसा इन्वायरमेंट होता है वहाँ उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि डार्विन अंडरस्टूड अ लॉन्ग वेज फॉर दी फाइव ईयर इन दी कैपेसिटी ऑफ नेचुरलिस्ट ऑन अ ब्रिटिश
वॉरशिप बीगल। डार्विन ने इस चीज़ को जब बीगल शिप में 5 साल तक इवोल्यूशन का सर्वे किया तो डार्विन ने नेचुरल सेलेक्शन को बहुत अच्छे से समझा। क्लियर, इसीलिए लिखा है डार्विन अंडरस्टूड अलोंग वे ऑफ द 5 ईयर इन द कैपेसिटी ऑफ अ नेचुरलिस्ट एंड अ ब्रिटिश वॉरशिप बीगल, है ना, जिसका नाम पूरा नाम था एच एम एस बीगल, जिसमें डार्विन ने 5 साल तक इनके बारे में सर्वे किया और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझा और लोगों को बताया। उसके बाद क्या लिखा है, ही ट्रेवल टू आइसलैंड ऑफ द गैलापागोस एंड द कलेक्टेड एविडेंस टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन। और डार्विन ने आइसलैंड गैलापागोस में विजिट किया और वहाँ पे बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किया। टू एक्सप्लेन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ही गिव थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो उन्होंने स्पीसीज के बारे में बहुत सारा स्टडी किया और नेचुरल सेलेक्शन का एक थ्योरी दिया। क्लियर, द मेन पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म आर गिवेन बिलो। तो डार्विन ने जो अपनी बुक थी उनमें कौन कौन से मेन पॉइंट को ज़्यादा मेंशंस किया और कौन कौन से मेन पॉइंट में उन्होंने ज़्यादा स्टडी करके लोगों को इन्फॉर्म किया, तो पहला हेडिंग है ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि जिस ऑफस्प्रिंग या जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस होगी वहाँ पे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर, जैसे जहाँ पे शक्कर ज़्यादा होती है वहाँ चींटी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मछली जहाँ जैसे पानी में मछलियों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मतलब जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जहाँ जितना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होगी उसके लिए वहाँ पे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। क्लियर, तो क्या है बेटा, पहला एवरी लाइनिंग Being has an inherent tendency to produce more offspring than they can survive. मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव करेगी जहाँ उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा। दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज इन्वायरमेंट में या जिस इन्वायरमेंट में वो स्ट्रगल कर लेगी और स्ट्रगल करके वहाँ सर्वाइव कर जाएगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आगे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। मतलब कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करना। जैसे आप सब लोग भी तो स्ट्रगल ही कर रहे हो ना, स्ट्रगल मतलब सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब स्ट्रगल कर रहे हैं। क्लियर, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कुत्ता रोटी पाने के लिए स्ट्रगल करता है, हम लोग रिजल्ट पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, मम्मी पापा हमको पालने के लिए स्ट्रगल करते हैं, सब तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बिना स्ट्रगल की जिंदगी तो जानवरों जैसे है। क्या है बेटा यहाँ पे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर एट देयर प्रोडक्शन रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। क्लियर, सेकेंड पॉइंट है This is because of struggle for existence. There is a struggle for food, space and breeding. मतलब struggle किस लिए होता है, खाना के लिए, रहने के लिए और ब्रीडिंग के लिए। फिर moreover, death of individual due to disease and predator population and kept under the control. फिर देखेंगे बेटा survival of the fittest, मतलब कि जो उस जगह पर सर्वाइव हो जाएगा, जो उस जगह पर फिट हो जाएगा नेचर उसको सेलेक्ट करेगा, जो नहीं फिट होगा वो मर जाएगा। क्लियर, कैसे, जैसे मछली को पानी से निकाल के बाहर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उसकी वहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो डार्विन बिलीव दैट एनी इंडिविजुअल इज सक्सेसफुली इज इन स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस इफ इट सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूसर ऑफस्प्रिंग। जो लिविंग डार्विन के अकॉर्डिंग डार्विन ने बिलीव किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा वो न्यू लिविंग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा और आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाएगा। इंडिविजुअल्स हु आर फिट इन आ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन ओनली सर्वाइव, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं पर्टिकुलर किसी न किसी एक इन्वायरमेंट के लिए, एक क्लाइमेट के लिए अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट है बेटा वेरिएशंस, वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि यदि वेरिएशंस नहीं होगा तो सर्वाइवल बहुत कम हो जाएगा। वेरिएशंस मतलब कि एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से बदलते रहना। क्लियर, तो क्या है, ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्ट्रगल
द ऑर्गेनिज्म चेंज द ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्ट्रगल द ऑर्गेनिज्म चेंज देमसेल्फ ड्यू टू कॉन्स्टेंट द ऑर्गेनिज्म चेंज देमसेल्फ इन द अकॉर्डेंस विद द न्यू नीड्स। मतलब कि उस इन्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ पे जैसा जो इन्वायरमेंट वेरी करेगा उस इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी में नई नई चेंजिंग आती जाएंगी और वेरी करती जाएंगी, जिनमें वेरी हुआ यानी वेरिएशंस हुआ तो सर्वाइव करेगा नहीं तो सर्वाइव नहीं करेगा। पांचवा पॉइंट है बेटा नेचुरल सेलेक्शन, जो सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा क्या नेचुरल सेलेक्शन। तो क्या है नेचुरल सेलेक्शन? इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म हैविंग वेरिएशंस फेवरेबल टू द एनवायरनमेंट वुड हैव मोर चेंज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन देयर ओन काइंड्स। फिर दोज विच डू नॉट पोजेस फेवरेबल वेरिएशंस वुड डाई और फेल टू रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट है बेटा क्या ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो क्या बोलता है एनी चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन काउज नेचुरल सेलेक्शन टू एक्ट अपॉन द पॉपुलेशन एंड सेलेक्ट द वेल एडाप्टिव इंडिविजुअल। नेक्स्ट इट रिजल्ट इन द चेंजिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन बाय द इनहेरिटेंस ऑफ द चेंज इज सक्सेसिव जनरेशन न्यू स्पीसीज आर फाउंड। मतलब कि जो न्यू स्पीसीज बनती है जैसे बंदर मंकी एप्स और ह्यूमंस, तो जो बंदर थे उनसे बना एप्स, एप्स से बने ह्यूमंस, तो ये अलग अलग जो स्पीसीज वेरी करती है वेरिएशंस की वजह से ही न्यू स्पीसीज बनती है। पहले बंदर थे फिर उसके बाद कंडीशंस इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि जो गुफाओं में जैसे बंदर पेड़ों में रहते थे उनसे डेवलप हुआ तो कौन बने एप्स, जो गुफाओं में रहते थे एप्स से ज़्यादा डेवलप हुए, मतलब आदि मानव उनसे ज़्यादा डेवलप हुए तो हम लोग बने जो कि घरों में अपना घर बना के रहने लगे, तो ये क्या हुआ इनमें वेरिएशंस होता गया और नेचर उस हिसाब से सेलेक्ट करती गई और हमारी बॉडी में चेंजिंग आने लगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो बंदर पहले पेड़ में रहते थे तो बैलेंस बनाने के लिए पूंछ चाहिए होती थी, फिर आदि मानव थोड़ा खुले में रहते थे गुफाओं में रहते तो ठंडा रहे तो उनके शरीर में बाल रहते थे, फिर जो ह्यूमंस इंसान आए घर बना के रहने लगे तो उनमें कंडीशंस अच्छी मिलने लगी तो धीरे धीरे अलग चेंजिंग हो गया। तो इस तरह से नेचर जो होता है सेलेक्ट करता है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को लगता है कि कुछ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए। और मेन बात ये है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कहाँ मिलेंगे बेटा? एम करियर इंस्टीट्यूट की ऐप पे, तो आप वहाँ पे जाइए विजिट करिए और वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगी, है ना, तो आप वहाँ पे देख लीजिए। थैंक यू सो मच। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं जो कि एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप एम करियर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाइए, सॉरी एम करियर इंस्टीट्यूट की ऐप में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? व्हाट इज एलर्जेंस, व्हाट काउज द एलर्जी टू प्रोड्यूस। क्लियर, एलर्जेंस क्या है और एलर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है पहले इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, क्लियर, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की थ्योरी देखेंगे। तो आइए पहले हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या, ये एलर्जी का लोचा क्या है। तो एलर्जी का लोचा कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी है, अपनी बॉडी में हमने क्या किया, ये अपन ने अपनी बॉडी का मान लीजिए हाथ बना लिया, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। अब जब अपन ने अपनी बॉडी का हाथ बनाया तो हाथ में बीच में हड्डियां भी होगी और हड्डियों के ऊपर यहाँ पे मसल्स होंगे, क्या होंगे, यहाँ पे मसल्स होंगे और बेटा मसल्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी और यहीं पे होगा मास्ट सेल, क्या होगा बेटा, यहाँ कहीं होगा मास्ट सेल, मास्ट सेल। जब भी कोई ऐसी चीज या तो वो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू या बाहर से किसी भी तरीके से कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज यहाँ से अंदर से गई या बाहर से आई, जिस केमिकल्स को जिस मटेरियल को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे कोई भी केमिकल आ गया या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ गया
जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारी बॉडी की जो मास्ट सेल होती है वो एक केमिकल सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं हिस्टामाइन। और हिस्टामाइन यहाँ पे सिक्रीट होगा और ये बाहर से केमिकल इधर से आया, ये बाहर से केमिकल आया और इन दोनों के बीच में हो जाएगी रिएक्शन। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिएक्शन। और जैसे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो हमारी बॉडी में कुछ इस तरह के सिंबल्स मिलेंगे। कैसे सिंबल्स मिलेंगे, तो आपकी बॉडी में सूजन आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा मच्छर वगैरह काटता है तो मच्छर हमारी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइड डालता है, और जैसे मच्छर हमारी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइड डालता है तो स्पोरोजॉइड को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, जिससे हमारी बॉडी की मास्ट सेल हिस्टामाइन सिक्रीट करती है और वो उससे लड़ाई करना शुरू कर देती है, तो वहाँ पर सूजन आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है नॉर्मल बॉडी की जगह से, पेन होता है, रेडनेस हो जाता है। तो इस तरह के चार सिंबल्स आते हैं। पहला यहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन। पहला होता है इन्फ्लामेशन, दूसरा होता है बेटा रेडनेस, तीसरा होता है टेम्परेचर इंक्रीज और चौथा होता है बेटा पेन। तो जहाँ भी आपको एलर्जी वाली चीज़ें, जो एलर्जन मटेरियल्स होते हैं, तो ये चीज़ें सिंबल्स आते हैं। कभी कभी एलर्जी जो होती है, तो जैसे मान लीजिए नाक के थ्रू कोई डस्ट चला गया, पोलन ग्रेन चला गया, तो अपने को छींक आती है। तो जब छींक आती है, यदि नाक के थ्रू इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो हमारा जो रेस्पायरेटरी सिस्टम्स हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन आता है, वहाँ पे सूजन होता है, वहाँ पे पेन होता है। लेकिन इन्फ्लामेशन का सिम्टम यही है, चाहे तो ये आपकी बॉडी के बाहर सो हो या बॉडी के अंदर होगा। क्लियर। अब इन सबको ख़त्म करने के लिए अपने को क्या किया जाए, क्या मतलब क्या है इसका ट्रीटमेंट, तो देखिए एलर्जी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है उस चीज़ से आपको बचना होगा, सबसे मेन बात ये है। क्लियर। उसके बाद यदि आपको और से अपन लोग सिट्रिजिन यूज करते हैं, क्लियर, सिट्रिजिन टैबलेट यूज करते हैं, मतलब आपको यहाँ पे एंटी एलर्जिक केमिकल्स यूज करना पड़ता है, जो कि आपके शॉर्ट टाइम के लिए, लंबे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए आपकी बॉडी की इस चीज़ को ख़त्म कर पाएगी। लेकिन जो जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है वो एलर्जन सब्सटेंस से बचाव ही उसका उपचार होता है। क्लियर। चलिए अब इसको हम देखते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। आइए, लाइन बाय लाइन क्या है, एलर्जी इज द कंडीशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट सर्टेन सब्सटेंस ऑल टू आ फिजिकल और केमिकल एजेंट एलर्जेंस। मतलब जो एलर्जी होती है ये एक हाइपर सेंसिटिविटी होती है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब जहाँ पे हमारी बॉडी का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या बीपी हाई हो जाता है, या ब्लड में फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स वहाँ पे इन्फ्लामेशंस हो जाता है, सूजन हो जाता है, जी घबराता है, तो इस तरह की चीज़ों को हम कहाँ पे लेते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी में। फिर व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेक प्लेस इन दी बॉडी इज देयर रिजल्ट एलर्जी। जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शंस होती है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी तो उसी रिएक्शंस की वजह से जो सिम्टम्स शो होते हैं, उन्हीं सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एलर्जी। क्लियर, जो भी मैंने चार बताया था। फिर सफिशियंट एंटीबॉडी विल नॉट बी प्रोड्यूस इन लैकिंग ऑफ पावर इम्यूनिटी सिस्टम, है ना। और ये एलर्जी जो है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, द एलर्जेंस कंबाइंड विद द एंटीबॉडी बाउंड मास्ट सेल विच काउज द सेल टू बर्न रिलीज द हिस्टामाइन। मतलब जैसे ही एलर्जन मटेरियल आता है तो मास्ट सेल हिस्टामाइन रिलीज करेगा, इट रिजल्ट इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन रिस्पॉन्स इन द बॉडी। एलर्जी में भी काउजेज बाई अ मेडिसिन, है ना,
कॉस्मेटिक एंड अदर सब्सटेंस लाइक पोलेन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल, मतलब जो एलर्जी होती है वो मेडिसिन से हो सकती है, कॉस्मेटिक सब्सटेंस साबुन शैम्पू इन सब से हो सकती है, डस्ट पार्टिकल से हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एलर्जी आपको किसी से भी हो सकती है, किसी को दाल से होती है, धूप से होती है, चावल से होती है, साबुन से हो जाती है। तो एलर्जी किसी भी चीज़ से हो जाती है जो आपके डायरेक्ट आपके इम्यूनिटी को टक्कर देती है। यदि आपकी इम्यूनिटी भारी पड़ गई तो एलर्जी का रोल कम हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई तो एलर्जी का रोल ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? तो ये हो गया बेटा एलर्जी, क्लियर, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से लिख देना, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल आने के चांस काफ़ी हैं एलर्जी के, तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। चलिए चलिए बच्चों, तो अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? व्हाट इज ड्रग एडिक्शन, व्हाट आर इट्स काउजेस? ड्रग एडिक्शन एक्चुअल में क्या है? तो देखिए, ड्रग एडिक्शन मतलब कि सीधी सी बात है, हमारी बॉडी का किसी केमिकल की आदत लग जाती है। क्लियर? इसको हम बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। जैसे देखा जाए तो आप सब लोगों की चाय की आदत लगी है, हर एक घंटे में दो घंटे में आपको चाय चाहिए, है ना। किसी को सिगरेट की आदत लगी है, किसी को राजश्री की आदत लगी है, किसी को अल्कोहल की आदत लगी है। क्लियर? तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनकी आदत लग जाती है, और यदि हमारी बॉडी को किसी चीज़ की आदत लग गई है तो उसको हम बोलते हैं एडिक्शन, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो अब हम इसको आपको बेसिक बता दिया हूँ, अब मैं इसका डायरेक्ट आपको पॉइंट समझाते हैं। तो क्या है, एडिक्शन इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ आवर यूथ बिकॉज दे स्टार्ट टू लैक डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल बेवरेज ड्यू टू द वेरियस रीजन। मतलब एक्चुअल में ड्रग एडिक्शन जो होता है, तो दारू, बियर, वाइन, इन सब चीज़ों का केमिकल का सेवन जो लोग करते हैं, जो इनको लेने लगते हैं, वो इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। और ड्रग एडिक्शन के बहुत सारे रीजन्स होते हैं, और लोग कुछ लोग तो अपने आप को डोमिनेंस दिखाने के लिए सिगरेट पी रहे हैं और छल्ले बना रहे हैं। क्लियर? इस तरह से बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने आप को डोमिनेंस शो करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ लोग दारू पीते हैं गम भुलाने के लिए, और कुछ लोग दारू पीते हैं गम को लाने के लिए। ऐसे वाले कौन है हमें नहीं पता। गम भुलाने वाले लोग ऐसा रहता है कि यार ब्रेकअप हो गया, दारू पी लो, लास्ट सहारा यही है। क्लियर? कभी किसी के घर में मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया और जाके बैठे हैं बढ़िया से पौआ चढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो गलत हैं, और ये एक एडिक्शन है। तो आपको क्या करना है, कौन पी रहा है, कौन नहीं पी रहा, मेन बात है कि आप क्या कर रहे हो और आप किस चीज़ के एडिक्टेड हो। यदि आप किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हो तो आप भूपेन सर से मिलो, आपका सारा एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। क्यों लाइक करने के लिए, वीडियो आपने किया ना अभी लाइक। हाँ, अब आइए सेकेंड क्या है। इट मेक देम हैबिचुअल एंड डिपेंड ऑन देम। एडिक्शन इज द हैबिचुअल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंड ऑन अ सब्सटेंस और अ प्रैक्टिस विच इज बियॉन्ड वॉलेंट्री कंट्रोल। मतलब ये आपको इतना ज़्यादा हैबिचुअल बना लेती है कि यदि आप इसको छोड़ना चाहें एक टाइम पे बाद, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि आप इसके हैबिचुअल हो जाते हो। आपका साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचेगा, फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी में बार बार वाइब्रेशंस होंगे, आपकी बॉडी में अनकंडीशनल्स मूवमेंट्स होने लगेंगे। क्लियर? तो ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। उसके बाद बात करें, अ पर्सन हु इज़ हैबिचुअल टू अ सब्सटेंस और अ प्रैक्टिस स्पेशली हार्मफुल वन इज कॉल्ड ड्रग एडिक्शन। और ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और इन्हीं सब चीज़ों को हम ड्रग एडिक्शन के अंदर लेते हैं। इट काउजेज बाई, है ना, ये क्यों होता है ड्रग एडिक्शन में, ऐसा क्या चीज़ें हैं जो ड्रग एडिक्शन में, और ये ज़्यादातर यूथ में होते हैं। मैं बताऊँ, यदि कोई बच्चा 15 से 20 साल तक अपने आप को ड्रग से बचा लिया ना भाई साहब,
तो वो फिर कभी ड्रग्स एडिक्शन हो ही नहीं सकता उसको। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी होती है इसी एज में होती है। इस एज में बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज होते हैं और लड़कों को लगता है 10th क्लास में आने से या 11th क्लास में जैसे बच्चा आता है उसको लगता है वही डोमिनेंस है, सब कुछ वही है, उसके अलावा दुनिया ख़राब है। और वो अपने आप को इतना ज़्यादा डोमिनेंस फील करने लगता है कि उसको लगता है कि यार सब बर्बाद हैं, हम ही एक आबाद हैं, और वो सारे क्रियाकर्म करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी बॉडी में, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनकी बॉडी में अचानक से चेंजिंग आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मतलब मूछे के दो चार बाल आने लगते हैं, क्लियर, दाढ़ी आने लगती है, तो उसको लगता है यार अपन तो मर्द हो गए, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि बच्चों में जो समझदार नहीं होते, जिनको अच्छा गाइडलाइन नहीं मिलता, वो सब इस फील्ड में चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं कि आपकी परवरिश या कि आपकी एजुकेशंस कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिस्टेक है, जहाँ तक जिस वजह से बच्चा यहाँ तक जाता है, नहीं जाना चाहिए। तो पहला बेटा क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होता है? सबसे पहले बच्चा ना अपने घर में देखता है कि अरे यार दद्दा तो बीड़ी पी रहे हैं। जब बच्चा देखता है अरे यार दद्दा तो बीड़ी पी रहे हैं ना, तो बच्चा बोलता है यार दद्दा ने बीड़ी पी के फेंक दिया, चलो उठा के एक कस अपन भी मार लेते हैं, वाह कस। क्लियर? कभी कभी ऐसा कि अरे यार पापा ने पैक लगाया, आधा बच गया, चलो पापा कहीं गए, आधा पैक अपन लगा लिए। तो इस तरह से ना कि मतलब ऐसा रहता है, क्यूरियोसिटी बहुत सारी रहती है कि यार भाई साहब चाचा ने पी लिया और मस्त भाई उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पीने के बाद किसी को नहीं डरते। तो इस तरह से ना आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि यार इसको करने से क्या होगा, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो पहला क्यूरियोसिटी, दूसरा फन एंड स्टिमुलेशन, मतलब मज़ा आता है, मतलब किसी किसी को मज़ा आता है, बढ़िया छल्ले बना रहे हैं, 4, 6, 10, 18, 20 छल्ले बन गए, और मतलब अपने आप को थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं। क्लियर? फिर विल ऑफ डूइंग मोर वर्क, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है और खेत में चले गए पानी लगाने और पता चले ठंडी लगी, 4 पैक लगाए और वहीं पर रुक गए। क्लियर? तो मतलब ऐसा मानते हैं कि अपन ने कार चला रहे और पता चले कि 4 पैक लगाए, 400 किलोमीटर चला गए कार। क्लियर? तो इस तरह से उनके अंदर ऐसा लगता है कि ये चीज़ करने से उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्लियर? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एडिक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं ना, तो आपके नर्वस सिस्टम को हेलुसिनेट करते हैं, नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा उनकी कैपेसिटी को, उनकी क्षमता को कम करते हैं, तो ब्रेन ज़्यादा सोच समझ नहीं पाता है, इस वजह से ऐसा होता है। फिर दूसरा फीलिंग ऑफ फ्रीडम, उनको लगता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है फीलिंग ऑफ फ्रीडम, मतलब ड्रग्स लेने के बाद वो अपने आप को स्वतंत्र फील करते हैं, ऐसा लगता है कि यार मोदी हम ही हैं। क्लियर? मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं है, मतलब वो उनका सेवन करके, अल्कोहल का सेवन करके, किसी ऐसी चीज़ों का सेवन करके उनको ऐसा लगता है कि बस हम ही हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। फिर टेम्परेरी एस्केप फ्रॉम दी लाइफ प्रॉब्लम, या तो जैसे मान लीजिए टेम्परेरी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि इस समय पे मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, मोहब्बत गलत है, गलत है मोहब्बत, एक शायरी, मोहब्बत गलत है मोहब्बत, किए जा रहे हो कहे जा रहे हो, मतलब मोहब्बत गलत है मोहब्बत, कहे जा रहे हो किए जा रहे हो। तो कभी किसी का मोहब्बत ने किसी और की मोहब्बत हो गई, क्लियर, किसी और का प्यार किसी और का हो गया, तो इन सब कंडीशन में जो आपको कुछ समय के लिए दुख होता है, उस चीज़ को भुलाने के लिए, मतलब गम को भुलाने के लिए कुछ लोग इन सब चीज़ों का सेवन करने लगते हैं कि यार ब्रेकअप हो गया है, 4 पैक लगा लेते हैं और वो लौट आएगी, ब्रेकअप सही हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, बस इन सब चीज़ों में दिक्कतें यह हैं कि एक समझदारी की कमी होती है, क्योंकि जो इंसान समझदार होता है वो इन सब चीज़ों से परे होता है, उसको पता है कि ये सारी चीज़ें एक कोई मतलब नहीं है, इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। यदि किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी लड़की को कोई लड़का छोड़ के गया है, या किसी लड़के को कोई लड़की छोड़ के गई है, तो जाहिर सी बात है आप उस काबिल नहीं थे, इसलिए वो छोड़ के गई है, वो कहीं और गई है, किसी और को छोड़ेगी, क्लियर, या कहीं और गया है, किसी और को छोड़ेगा। तो दुनिया में ये दस्तूर है जो चल रहा है और चलता रहेगा, आप इसे नहीं बदल सकते, इसलिए आप इसका
पूरा ध्यान और पूरा फोकस आप अपने करियर पे दीजिए और अपने आप को इतना डेवलप करिए कि कोई आपको छोड़ने के बारे में सोचे भी नहीं, और जो सोचे वो ज़िंदगी भर पछताए कि यार मैंने क्या खोया। तो आप अपने अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप करो, आप इन सब चीज़ों में मत पड़ो। और मैं थोड़ा सा भावुक हो गया, और भावुक इसलिए हो गया क्योंकि ये सच है। और मैं देखता हूँ कि हमारे दोस्त हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं नीट वालों को पढ़ाता हूँ, 12th वालों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ये सब देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही चलो हटाओ, आगे आते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अब अपन पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। क्या होता है इननेट इम्यूनिटी क्या होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। इननेट मतलब जो हमको भगवान से मिली है, नेचर से मिली है, एक्वायर्ड मतलब जो हमको खुद से मिली है, क्लियर, जैसे मेडिसिन लिया, वैक्सीन लगवाए, टीका लगवाए वैसे। फिर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी मतलब वो इम्यूनिटी जो एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में होती है, पैसिव इम्यूनिटी जो पैसिव फॉर्म में होती है, दोनों को अपन देखते हैं। तो सबसे पहला है बेटा इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो क्या बोल रहा है इननेट, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, जो आपको जन्म से ही मिलती है, आपको पेरेंट्स से मिली है, वो होती है इननेट। इट इज़ नॉट प्रेजेंट फ्रॉम दी बर्थ, जो बर्थ से पैदाइशी आपकी बॉडी में नहीं था वो क्या होता है एक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होती है, इट इज़ पैथोजेनिक स्पेसिफिक, ये एक्वायर्ड जो होती है पैथोजेनिक स्पेसिफिक होती है, जैसे पोलियो के लिए अलग वैक्सीन, टाइफाइड के लिए, मतलब अलग अलग के लिए स्पेसिफिक होता है वो, क्लियर। फिर द वेरियस फिजियोलॉजिकल, द वेरियस फिजिकल फिजियोलॉजिकल सेल, द वेरियस फिजिकल फिजियोलॉजिकल सेलुलर एंड साइटोकाइनिन बैरियर आर द बेसिक बेसिस ऑफ इननेट इम्यूनिटी। फिर द मेमोरी सेल फॉर्म बाई द बी सेल एंड टी सेल आर द बेसिस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द इननेट इम्यूनिटी रिमेन थ्रू आउट लाइफ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी शॉर्ट लाइफ आ लॉन्ग, क्लियर। तो आप इन दोनों में डिफरेंस याद कर सकते हो। एक और अपन डिफरेंस देखते हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, दोनों चीजें आइए समझते हैं। इट इज द एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, इट इज डेवलप ड्यू टू कॉन्टेक्ट विथ पैथोजन और एंटीजन दैट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन दी होस्ट बॉडी। इट इज डेवलप वेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर इंजेक्टेड इन टू दी बॉडी। इसमें हमारी बॉडी में रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी डालते हैं, यहाँ पर हमारी बॉडी बनाती है। इट हैज़ नो और ओनली फ्यू साइड इफेक्ट, इट मे काउजेज आ रिएक्शन, इट इज स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, इट इज़ फास्ट बट लेस ओनली द फ्यू डे, इट टेक टाइम टू डेवलप इट रिस्पॉन्स, इट यूज वेन द इम्यून रिस्पॉन्स हैज़ टू बी फास्टर। तो ये दोनों आप याद कर लेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, यदि बच्चा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए, क्लियर, यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके AIIMCareer Institute Bhopal ऐप को डाउनलोड करेंगे, और जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको एक स्टोर का ऑप्शन आएगा, और स्टोर के ऑप्शन में जाओगे, उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बायो के, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत सारे चांस हैं, तो आप उनको जाके कर लेंगे, क्लियर। यदि आपको और भी कुछ पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब MP
हेलो बच्चों, तो अपन एमपी बोर्ड का कुछ और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे 44 नंबर तक क्वेश्चन हो गए, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 45। क्लियर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, शॉर्ट में लेंगे, आपको एमपी बोर्ड में जितनी ज़रूरत है उतनी लेंगे। तो सबसे पहले मैं हाथी जैसा शरीर लेके जो सामने खड़ा हूँ तो मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, सुन के मज़ा आ गया होगा तुम लोग, हाथी जैसे शरीर है ना। तो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एंटीबॉडी। आपको एंटीबॉडी का डायग्राम बनाना है। क्लियर, तो क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो एक्चुअल में एंटीबॉडी है क्या, तो एंटीबॉडी हमारे WBC में एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो फॉरेन सब्सटेंस को किल कर देती है, उनको मार देती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में क्या होता है, कैसे बनता है, तो एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि एक्चुअल में एंटीबॉडी में क्या होती हैं, चार चैन होती हैं, दो लाइट चैन होती हैं, दो हैवी चैन होती हैं, और ये चैन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं। तो पहले हम इसका आपको डायग्राम दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसको थ्योरी देखते हैं। क्लियर, तो देखो, नहीं आओ पहले थ्योरी देख लो थोड़ी सी, है ना। तो क्या लिखा हुआ है अपन समझेंगे एंटीबॉडी में। बेटा एंटीबॉडी आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी एक प्रोटीन से बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन IG मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चैन विच आर लिंक टूगेदर बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड। चार पॉलीपेप्टाइड चैन होती हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती हैं। ये बेटा देखिए, ये लाइट चैन है, ये लाइट चैन है, और ये हैवी चैन है जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती हैं। बाइसेप मॉलिक्यूल ऑफ दी 4 चैन, ये बाइसेप होता है, ये बाइसेप होता है। 2 लॉन्ग चैन कॉल्ड द हैवी चैन, इसको लॉन्ग चैन को हम हैवी चैन बोलते हैं। एंड 2 शॉर्ट चैन कॉल्ड द लाइट चैन, और इसको हम लाइट चैन बोलते हैं। क्लियर, फिर ईच पॉलीपेप्टाइड चैन इज कंपोज्ड ऑफ द सेवरल अमीनो एसिड अरेंज इन द लीनियर फैशन। मतलब इनमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो लीनियर अरेंज होते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, 2 आइडेंटिकल फ्रेगमेंट ऑफ द बाइसेप मॉलिक्यूल पोसिंग द एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड आर द कॉल फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट। और इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं दोनों के बीच में जो एंटीजन से बाइंड होते हैं और एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। द थर्ड फ्रेगमेंट इज अनेबल टू बाइंड विद एंटीजन एंड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड देयरफॉर इट कॉल्ड एज द फ्रेगमेंट क्रिस्टेबल, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, तो हम उसको बोलेंगे FC, जो कि क्या होगा देखिए, द थर्ड फ्रेगमेंट अनेबल टू बाइंड विद एंटीजन एंड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल FC। और एक होता है क्या, FAB, याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, द टू आइडेंटिकल फ्रेगमेंट ऑफ द बाइसेप मॉलिक्यूल प्रोसेस द प्रोसेसिंग एंड एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द कॉल्ड फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट FAB। क्लियर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल रीजन ऑफ द हैवी चैन देयर आर 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन हैव बिकम रिकॉग्नाइज्ड। 5 क्लासेस होती हैं, ये कौन कौन सी 5 क्लासेस हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आए हैं IG। सबसे पहले आप 5 लिख दो, ये 4 हुए, मैं लिख देता हूँ ये 5। और अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक होता है बेटा, गम दे, जैसे मान लो किसी को ब्रेकअप हो जाता है ना, तो क्या होता है उसको गम, तो आप ये 5 का इस ट्रिक में याद रखो, GAMDE। क्या हो गया बेटा, GAMDE, ये 5 एंटीबॉडीज होती हैं गम दे, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। ये हो गया हमारा, आ सकते हो आपके एग्जाम में यदि आएगा तो बाइसेप याद रखना। सबसे पहले ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है, हैवी चैन, जिसको हम H चैन भी बोलते हैं। ये जो इधर छोटा सा है, ये लाइट चैन है, जिसको L चैन भी बोलते हैं।
क्लियर। और ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं, ये अमीनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पे अमीनो एसिड्स होता है, जहाँ साइड अमीनो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है C double O minus C double O minus। तो इस तरह से एंटी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो आप थ्योरी लिख के ये स्ट्रक्चर बना दीजिए, बहुत ही आसान है। क्लियर। यदि आपको और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एम एप्लीकेशन, एम कैडर इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन में मिलेगा, तो आप वहाँ जाके विजिट करिए, ये क्वेश्चन भी आपको वहाँ मिलेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट।